श्री कृष्णा, स्वागत है आप सभी का हमारे इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन में। आज हमारे साथ बायोलॉजी की काफी डायनेमिक टीचर मौजूद हैं, जिनका नाम है ममता त्रिपाठी मैम। तो आइए ममता त्रिपाठी मैम से जानते हैं उनके बारे में। मैं ममता त्रिपाठी हूँ, राजा भोज हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं कार्यरत हूँ और मैं जीव विज्ञान विषय का शिक्षण करती हूँ। मैं लगभग 30 सालों से जीव विज्ञान विषय बच्चों को पढ़ा रही हूँ। कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चे जो है वो मुझसे जीव विज्ञान विषय के बारे में जानकारी लेते हैं। शिक्षण का कार्य उन्होंने किया है, दोनों ही टीचर रहे हैं। और मैं शुरू से मैंने चाहा था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन फिर दोनों का समर्पण शिक्षा के क्षेत्र में देख के मुझे लगा कि मुझे शिक्षण का कार्य ही बेहतर है और मैंने इसी कार्य को चूज किया और मैं टीचर बन गई। और मैं शुरू में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ में मैंने काम किया और देखा कि बच्चों में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उनको उस टैलेंट को एक शेप किस तरह से दिया जाए या थोड़ा सा सपोर्ट किस तरह से दिया जाए ताकि वो आगे जाकर अपने अपने क्षेत्र में कुछ कर सके, आगे बढ़ सके। तो जैसा कि नीट की डेट भी आ चुकी है, तो हम मैम से जानते हैं कि पूछते हैं मैम से कि मैम बच्चों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। मैं अपने शिक्षण की बात करूं तो मैं अपने कक्षा शिक्षण में एनसीईआरटी बुक को प्रेफर करती हूं। मैं एनसीईआरटी की बुक से ही बच्चों को पढ़ाती हूं। और जैसा कि हमने देखा है कि जो भी हमारा नीट का जो पेपर आता है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि इस बुक को आप एक रामायण की तरह लीजिए और इसकी हर लाइन को बहुत अच्छे से उसका अर्थ समझकर पढ़िए। और मैं जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं या इम्पोर्टेंट लाइन होती है उनको अंडरलाइन कराती हूँ और बच्चों से कहती हूँ कि इनको बहुत अच्छे से समझ के पढ़ें। मैंने बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए भी कुछ टिप्स दिए हैं। मैंने उनसे कहा है कि जिस समय पेपर होता है उसी समय ही आप घर पर पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, पुराने जो पेपर हैं उनको लेकर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए ताकि आपको एक हैबिट बनी रहे कि इसी समय हमें पेपर जब मिलेगा तो आपके मन में जो घबराहट होती है या आपको पेपर को लेकर जो तनाव रहता है वो तनाव से आप मुक्त हो सके। थैंक यू सो मच मैम, आपके थॉट्स बहुत ही अच्छे हैं। एट लास्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको हमारे नीट मेंटर फैमिली से मिलकर के कैसा लगा? मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात यहाँ पर मुझे जहाँ ये जो डायरेक्टर सर हैं उनकी बात बहुत अच्छी लगी, जो इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं उन्होंने जो बात कही है कि जो 30 स्टूडेंट्स का बेंच जो बनाना चाह रहे हैं उनमें वो केवल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो कि आर्थिक रूप से कम है, पिछड़े हैं, उन बच्चों को लेना चाहते हैं। ये हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ये एक बहुत बड़ा रास्ता होगा, एक बहुत बड़ा मार्ग होगा जिस पर चलकर वो नीट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं